या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। सवाल इनका ये है कि इल्मे दीन को अगर कोई शख्स बुरा भला कहता हो तो उसके बारे में क्या हुक्म है, यानी शरीयत के इल्म को बुरा कहना, कोसना, इसके बारे में क्या हुक्म है। तो शरीयत के इल्म को बुरा कहना जाहिर है कि गुनाह तो है ही, इसमें कोई दुराय नहीं, लेकिन ये कि कुफ्र की हद तक जा सकता है या नहीं जा सकता है तो डिपेंड करता है किस तरीके के इल्म को कहा गया, क्या बात कही गई, वो पूरी जो है ना डिटेल इसमें दरकार होगी। मिसाल के तौर पर कुरान का इल्म भी जो है वो दीन का इल्म ही है। अभी कुरान के इल्म को कोई बंदा बुरा कहता है तो उसके क्या अल्फाज है, क्या सोच है, उसको किस चीज़ से ताबीर दे के बुरा कह रहा है, क्या वो कहना चाहता है, उसके अल्फाज देखे जाएंगे तो गुनाह के साथ हो सकता है कुफ्र भी हो। अगर उसकी सोच ऐसी है कुरान के इल्म के, शरीयत के इल्म को किसी दूसरे बुरे इल्म से ताबीर करता हो, दूसरे किसी फसाद फितने से ताबीर करता हो, या उसको कमतर जानता हो कुरान, या उसकी अहमियत को कमतर जानता हो, या माज़ल्ला कुरान को, कुरान के इल्म को या इसकी तालीमात को, शरीयत की तालीमात को बुरा जानता हो इसलिए उसको बुरा कहता हो, तो ये सब बातें देखी जाएंगी कि बंदा अल्फाज उसके क्या हैं कहने के बारे में। उसके अल्फाज अगर आप कोट करते तो उसमें थोड़ा आसानी हो जाती समझने में कि उस पर हुक्म कुफ्र होता या नहीं होता। बहरहाल जैसे मामला इल्मे दीन को बुरा कहना तो ये बदनसीबी समझ लें आप इसको, शदीद हराम है। इस शख्स को तौबा भी करनी चाहिए और किस तरीके का मामला है, क्योंकि इल्म दीन को बुरा कहना है कुफर की तरफ तो ज़ाहिर है कि ले जाएगा। बाकी किसी करीबी आलिम दीन के पास उस शख्स को ले जाएं, कोई उसका मसला हो तो उसकी इसलाह हो जाएगी, बाकी जो हुक्म होगा वो इंशाल्लाह ताला उसको वो हाथों हाथ बता देंगे। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है जिसकी इसलाह आपको लगता बहुत मुश्किल है, इल्म दीन को या शरीयत को बुरा जानता बुरा समझता हो, तो फिर ऐसे शख्स से जो है ना वो दूरी इख्तियार करनी चाहिए। ऐसों की सोहबत या ऐसों की बातें सुनना ख़ुद अपने ईमान को भी कमज़ोर करती हैं और ये फसाद का ज़रिया भी बनती हैं और अपने ईमान के लिए भी ख़तरा पैदा होती हैं। तो ऐसे लोगों से बहुत दूरी बनानी चाहिए इस किस्म के लोगों के, कि जिनको दीन या शरीयत की अहमियत जिनकी नज़रों में ना हो तो उनसे जो है वो दूरी इख्तियार करनी चाहिए, चाहे वो अपने ख़ानदान का मामला हो या गैर का मामला हो या पड़ोसी का मामला हो, एड टू जेड किसी का भी मामला हो। ये जो शरीयत को या उसकी अहमियत को इसकी इम्पोर्टेंस को बुरा जानता हो या शरीयत के मसाइल के अंदर अपनी ज़्यादा अकल लगाता हो और उसके अंदर कमियां कोताहियां निकालता हो या अपनी अकल से उसको ताबीर करता हो तोलता हो, तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।